सीजल 2021 वालों के लिए पोस्ट प्रेफरेंस में 2800 ग्रेड पे को लेकर के कन्फ्यूजन बना हुआ है, 2824 दोनों के लिए ही लेके बना हुआ है, जिनके खासकर मार्क्स 46 के बाउंड्री पर हैं और 2800-2400 लेने के लिए है, तो पोस्ट का ऑर्डर डिसाइड करने में कन्फ्यूजन हो रही है आपको, सभी लोगों को दिल्ली ही चाहिए, दिल्ली के आसपास चाहिए, होम पोस्टिंग चाहिए, और पोस्ट है कैसी आप देख पा रहे होंगे, आपने अपने एंड पे भी थोड़ा बहुत देखा होगा स्टेट वाइज वगैरह, तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। इस वीडियो में मैं केवल 2800 ही कवर कर पा रहा हूँ, बिकॉज 2400 लेता तो वीडियो लंबी हो जाती, कल 2400 वाला भी अपलोड हो जाएगा। इसमें मैं आपको ट्रांसफ़र वाली भी बात बताऊंगा और प्रमोशन वगैरह क्या है उस पर भी हम थोड़ा बात करेंगे हर एक पोस्ट के बारे में। देखो अभी भी कई लोग ऐसे आ रहे हैं जिनको गोल्डन बुक नहीं मिली है स्टेट वाइज वैकेंसी के रिगार्डिंग, अगर आप भी पहली बार सुन रहे होगे, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दिया हुआ है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, चैनल पे ऊपर पिन किया होगा या आप लिख वहाँ ग्रुप में लिख दोगे तो बता देंगे लोग कि कैसे आपको वो बुक मिलेगा, ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, कोई पैसा नहीं है, कोई चार्ज नहीं है इसका, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाकर के देख सकते हो, 100 पेज की बुक है ये आपकी, और इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जो लोग पोस्ट प्रेफरेंस सीरीज़ लेना चाहते हो या फिर उसके रिगार्डिंग पेड सर्विस के रिगार्डिंग, या कोशिश करिए कि डीवी से 3 या 4 दिन पहले या 2 दिन पहले एटलीस्ट करिए, क्योंकि अब क्लोज आ गया है तो टाइम नहीं मिल पाता है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा, क्योंकि कॉल में टाइम लगता है आपका, कई लोग अभी जो लोग पहले से भी ऐड हो उनका रहता है, तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को देख के करिएगा। बाकी छोटा मोटा कन्फ्यूजन तो मैं वैसे बता दे रहा हूँ आपको। देखो पहले हम पोस्ट ले रहे हैं सीजी अकाउंटेंट, पूरी बात स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, कुछ चीज़ें गोल्डन बुक में नहीं लिखी हुई है जो आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। एज क्राइटेरिया देख लीजिएगा, सीपीटी ज़रूरत नहीं है, कलर ब्लाइंड देख लीजिए। थोड़ा हम पहले हम बात करेंगे लोकेशन के रिगार्डिंग और एलोकेशन के रिगार्डिंग। देखिए होता क्या है कि सीजीए जो है आपका वो अलग अलग मिनिस्ट्री के अंदर, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, सीबीडीटी हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो गया, उसके अलावा और भी मिनिस्ट्री हो गई, पावर हो गई मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हो गए, इनके अंदर अकाउंटेंट देता है अपना। तो जो अलग अलग मिनिस्ट्री के अंदर जो ये अकाउंटेंट होते हैं आपके, इनका डिसीजन कि कौन सी मिनिस्ट्री किसको देनी है, ये सीजीए का काम होता है। जब आपका इस पोस्ट का कट ऑफ, मान लो इसकी कट ऑफ 562 गई और आपका 563 मार्क्स है, आपने पहले नंबर पे इसको भरा हुआ है, आपको सीजी अकाउंटेंट मिल गया, तो सीजी आपका कौन सी मिनिस्ट्री किसको देनी है वो डिसाइड करता है, मिनिस्ट्री का एलोकेशन। तो यहाँ पर मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। मिनिस्ट्री दो तरह की होती है, एक वो जो प्योर दिल्ली बेस्ड है, एक वो मिनिस्ट्री जिनकी मतलब पोस्ट है दिल्ली के बाहर भी हैं आपकी, तो वो रैंक वन वाले को वो मिनिस्ट्री दे सकता है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर दे दिया जिसकी बाहर है, और लास्ट रैंक वाले को भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दे दिया या होम मिनिस्ट्री दे दिया दिल्ली के लिए, तो ये पूरा रैंडम ही रहता है आपका। दूसरा इसमें ये बता दूं मैं आपको कि जब मिनिस्ट्री दिल्ली के बाहर रहती है यानी एक लोकेशन पे नहीं है, तो वो आपसे प्रेफरेंस मांगती है। जैसे मान लो मिनिस्ट्री सीबीडीटी आपको मिला, सीबीडीटी आपसे मांगेगा कि आप 3 या 4 स्टेट का प्रेफरेंस दीजिए, तो जब प्रेफरेंस मांगा जाता है तो वहाँ पर ना सीजीए के अंदर कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलता है। समझिए यूँ कैसे करके कि मान लो 20 कैंडिडेट हैं, उसमें से 10 कैंडिडेट जनरल के हैं, 5 ओबीसी के, 3 एससी के, 2 एसटी के मान लीजिए, तो अगर जनरल से एलोकेशन होगा तो ये 5 सभी की मार्क्स घटते हुए क्रम में, शुरू के 10 जो यूआर वाले हैं उनके नंबर अच्छे हैं, देन उसके बाद 5 कैंडिडेट ओबीसी के मार्क्स हैं, फिर 3 एससी के, और फिर नीचे 2 एसटी के। तो अगर इनकी जनरल रैंक बना दी जाए तो शुरू के जो 10 यूआर कैंडिडेट हैं उनके मार्क्स अच्छे हैं तो उनकी रैंक अच्छी होगी, तो स्टेट प्रेफरेंस में कैटेगरी का बेनिफिट यहाँ नहीं मिल पाता है, तो जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए लोकेशन में प्रॉब्लम आती है। ये बड़ा मुद्दा रहता है जब आपका स्टेट एलोकेशन होता है सीजीए का, तो खासकर जब आपको दिल्ली के बाहर वाली मिनिस्ट्री रहती है। लेकिन फिर भी इसमें आपको ये नहीं पता ना कि दिल्ली के बाहर वाली मिलनी है कि दिल्ली वाली ही मिलनी है मिनिस्ट्री आपको। अब सवाल उठता है कि सर इसका भी प्रमोशन का क्या चल रहा है। देखो अभी सीजीए के अंदर 3 साल के बाद जब पूरी करते हो सर्विस, तो एसएएस का एग्ज़ाम आप देने के लिए एलिजिबल हो। एसएएस का एग्ज़ाम वही है जो आप सुनते आ रहे हो सीएजी के लिए, जो आप सुनते आ रहे हो सीजीडी, जब भी जितने भी ऑडिटर और अकाउंटेंट है उन सभी के लिए जो ये एसएएस का एग्ज़ाम है आपका, वो अलग अलग मिनिस्ट्री में टाइम ड्यूरेशन अलग अलग है। तो 3 साल के बाद जब आप देते हो तो EE की पोस्ट 4800 ग्रेड पे के लिए आप वो हो जाते हो एलिजिबल, मतलब हो जाते हो, मतलब क्वालिफाई कर जाते हो, और 4800 पे जब पहुंचते हैं उसके जस्ट 4 साल के बाद 5400 ग्रेड पे लग जाता है। ये बड़ा बेस्ट पार्ट होता है EE का,
असिस्टेंट अकाउंट डब्ल्यू ऑडिट ऑफिसर का देख लो आप, कि 4 साल बाद जैसे आप बनते हैं उसके जस्ट 4 साल बाद आपका 5400 ग्रेड पे लग जाता है। अगर प्रमोशन नहीं लेते हो आप तो फिर नेक्स्ट प्रमोशन आपका जो होगा वो 4200 ग्रेड पे का होगा और उसी पर आप स्टक करके रह जाते हो, राइट। आपका इंक्रीमेंट लगा रहता है। अब सवाल ये उठता है यहाँ पर कि ट्रांसफ़र है कि नहीं सीजी के अंदर मिनिस्ट्री के, अगर दिल्ली वाली तो ठीक है, बाहर है तो आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाता है, आपस में करवा सकते हो। नॉर्मल का थोड़ा प्रॉब्लम है आपका कि रूटीन एक प्रॉपर चैनल के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू, बाकी नहीं हो पाता। बाकी अगर हम देखें कि प्रमोशन जब लेते हैं डबल एओ, तो जब डबल एओ बनोगे आप तो उसमें ट्रांसफ़र होता है आपका, जैसे आप प्रमोट होके तो जैसे वैकेंसी देखी जाएगी तो उस हिसाब से आपका ट्रांसफ़र देखा जाता है। तो ट्रांसफ़र इसमें है सीजे के अंदर। सीजीडीए की अगर हम बात कर ले तो यार एज देख लीजिए, सीपीटी देख लीजिए है कि नहीं है, कलर ब्लाइंड एलिजिबल नहीं होते। लोकेशन के रिगार्डिंग में पर्टिकुलरली बात करूँगा और एलोकेशन के रिगार्डिंग में बात करूँगा सीजीडीए के। देखो ये जो वैकेंसी चार्ट आपको दिख रही होगी, आपको गोल्डन बुक में भी दिखेगी, मैंने आपको लिखा हुआ है कि ये जो एलोकेशन होगा ये इसके हिसाब से बिल्कुल नहीं होगा। मैंने आपको बताया है कि नॉर्थ के जितने भी ऑफिस है सारे लगभग भरे हुए हैं, तो अभी जो मिल रहा है पोस्टिंग मुंबई, बेंगलोर और पुणे, यहाँ के चांसेस ज़्यादा है। कुछ लोगों को जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में भी है, लेकिन जो बल्क जा रहा है वो पुणे, मुंबई और बेंगलोर ही 19 से देखने को मिल रहा है। सीजीएल 19, सीजीएल 20, 21 का बैच अब आपका है। कुछ लोगों को मेरिट भी दिया गया, लेकिन नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो मेरिट पाए, यूपी के अंदर बात कर ले, दिल्ली बहुत कम लोग को दिया गया है, फिर जबलपुर की बात करें तो रेयर केस मतलब है, ऐसे बहुत फ्यू ऑफ कैंडिडेट्स आपको मिलेंगे, तो ये एक है आपका इसमें। दूसरा अगर हम ट्रांसफ़र की बात करें और प्रमोशन की बात कर ले, अच्छा एलोकेशन देख लें तो रैंक पहले जब 18 या उससे पहले देखा जाए तो रैंक और एड्रेस देखा जाता था, लेकिन जब से ये ऑफिस भरे हुए हैं, स्ट्रेंथ पूरी फुल हो गई है, तब से कुछ ऑफिसेज बंद हुए हैं सीजीडीए में, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थे वो क्लोज हुआ है, उसकी वजह से ऑफिस भरा हुआ है, तो अब सिनेरियो ऐसा बन गया है। और अगर हम बात करें ट्रांसफ़र का, तो अभी रूटीन जो चल रहा है कि आप 2 साल की प्रोबेशन के बाद रिक्वेस्ट करते हो, 4 से 5 साल लग जाता है, लेकिन ये है कि आपको अपना स्टेट या आपका डिस्ट्रिक्ट भी मिल जाएगा अगर आपके पास डिफेंस का कोई ऑफिस है, तो ये प्लस पॉइंट रहता है आपका। दूसरा ये कि एसएएस का एग्ज़ाम अब रेगुलर हो गया है इसमें, 2 साल की सर्विस के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो और 4800 ग्रेड पे डबल एओ का असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर बनते हो, फिर 4 साल के बाद 5400 ग्रेड पे अपने आप लग जाता है आपका, एंड देन सीनियर चलता रहता आगे, फिर एओ बनते हो, फिर सीनियर एओ का आपका मर्ज हो गया आप आगे और आगे चलता रहेगा। सवाल ये उठता है इसमें कि अगर हम लोग वो नहीं लेते हैं, प्रमोशन नहीं लेते हैं, तो देन सीनियर ऑडिटर का भी 6 साल का है आपका, केस चल रहा था 6 साल के बाद जो सीनियर ऑडिटर बनता है आपका उसको 4200 से 4600 करने का भी सब कुछ पेंडिंग है, कुछ भी ऐसा आता है तो शेयर कर दिया जाएगा। तो ये कुछ अभी है जो 4200 ग्रेड पे हो और लाइफ टाइम आप उसी पर रह जाओगे अगर आप डबल एओ का एग्ज़ाम नहीं देते हो। सवाल ये भी उठता है कि क्या टफ होता है एग्ज़ाम डबल एओ का, और हाँ डबल एओ जब बनते हो तो आपका लोकेशन चेंज होता है, तो आपको वही ऑफिस या वो जोन आपको नहीं रहता है, जोन चेंज किया जाता है, उस समय देखा जाता है कि किस किस जोन में या किस किस कमांड में वैकेंसी क्रिएट हुई है। यूँ समझिए तो ऑल इंडिया ट्रांसफ़र के लिए आप हो जाते हो। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की बात कर ले, क्राइटेरिया देख लीजिए आप, लोकेशन ऑल इंडिया रहती है, इसमें रैंक फॉलो करा जाता है, रैंक फॉलो करने के साथ साथ कैटेगरी में अगर आप जनरल की कट ऑफ भी क्लियर कर लेते हो और रिजर्व कैटेगरी के हो तो कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है आपको इसमें। वैकेंसी कहाँ कहाँ है मैंने गोल्डन बुक में लगा रखी थी, आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें रैंक बेसिस पर है तो ये आपका जानना ज़रूरी है। नॉर्थ में वैकेंसी आपको दिखेगी नहीं। डीओपी के अंदर जूनियर अकाउंटेंट में अगर हम बात करें तो अभी 3 साल की जो सर्विस होती है उसके बाद आप बनते हो अकाउंटेंट बनते हो, जूनियर अकाउंटेंट के बाद अकाउंटेंट, जो कि 4200 ग्रेड पे है। और अगर बात कर लें ट्रांसफ़र का, तो देखो डीओपी के अंदर जूनियर अकाउंटेंट में ट्रांसफ़र ओपन है आपका, प्रॉपर चैनल के थ्रू करा सकते हो। अभी क्या है कि इसमें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने दिया है ट्रांसफ़र की पॉलिसी, उसमें एक शायद फॉर्म 38 करके जहाँ तक मुझे पता है, तो उसमें क्या होता है कि आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट करते हो ट्रांसफ़र के लिए, जैसे पीए के अंदर पोस्टल असिस्टेंट में अभी देखने को मिल रहा है, तो उसमें जैसे आपकी सर्विस 1 साल की कंप्लीट हो जाती है, जैसे मान लो कि आप यूपी के हो, पंजाब में पोस्टिंग हो गई, 1 साल की सर्विस कर लोगे तो ऑनलाइन उसमें रिक्वेस्ट लगाते हो और उसमें वेटिंग चलता रहता है, जब वेटिंग क्लियर लोकेशन पे वैकेंसी क्रिएट होती है आपको मिल जाएगी। अभी ये बहुत फास्ट देखने को मिल रहा है पोस्टल असिस्टेंट पीएसए में, क्योंकि वैकेंसी भी बहुत रहती है, वैकेंसी क्रिएट भी होती है, तो लोग को ट्रांसफ़र मिल जाता है। जूनियर अकाउंटेंट केस में हो सकता है थोड़ा सा वेट करना और पड़ जाए,
ट्रांसफ़र खुला हुआ है इसके अंदर भी। बात कर लेते हैं इसमें कि CGCA के अंदर, CGCA के अंदर बिल्कुल आप वही लेके चलिए जो CGA का प्रोसीजर है, राइट। स्टेट वाइज CGA मैंने जो बताया आपको स्टार्टिंग में, एक बार देख लीजिएगा। एज क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी ऑल इंडिया है, रैंक बेसिस पे इस पर भी ये वैकेंसी देख लीजिए, बहुत कम वैकेंसी है तो बहुत कम मार्जिन पे ही पूरी पोस्ट ख़त्म हो जाएगी आपकी, और वैकेंसी आपको फिर से नहीं दिखेगा नॉर्थ के अंदर इसमें भी। अब देखो मेन जो सौदा है वो हमारा CAG ऑडिटर और CAG अकाउंटेंट की बात करते हैं, क्योंकि मेन जो बवाला मचा है इसको लेकर के। क्राइटेरिया देख लीजिए एज का, ठीक है, एज को लेके भी बवाल है सर, इसमें 30 साल लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में। यार वो क्लैरिटी आपको तभी मिल पाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना तो वहाँ पर सिस्टम भी आपका वो ले लेगा, क्योंकि उसमें फीड होता है। जहाँ तक हमें पता है या आपको भी इस चीज़ को लग रहा हो कि वो टाइपिंग एरर है नोटिफिकेशन के अंदर, तो अभी हम जो पिछले सालों का क्राइटेरिया रहा है वही हम लेके, क्योंकि लेवल 5 के लिए 27 ही रखा जाता है क्राइटेरिया, तो ये लेके चलिएगा आप। अब हम बात कर लेते हैं पहले कि इसकी लोकेशन कहाँ है, राइट। तो देखिए ऑडिटर और अकाउंटेंट की अगर हम बात करें तो स्टेट वाइज वैकेंसी के लिए 2020 में जो डेटा मैंने आपको शेयर किया था CGL 2020 के लिए, तो उसमें ये मालूम चला था कि किस किस जगह पर क्या क्या वैकेंसी पोजीशन है, सैंक्शन स्ट्रेंथ मिला था और अवेलेबल वैकेंसी मालूम चली थी। 2020 वाले का एलोकेशन आजकल में आने वाला है, जहाँ तक है कि 15 तक का पूरा वो था आपका कि 15 तारीख तक दे देंगे, रोज़ कैंपेन चल रहा, अभी कल ही शायद कैंपेन की बात हो रही थी CAG ऑडिटर की, या फिर पूरा CAG ग्रुप बात कर रहा है इसके रिगार्डिंग, क्योंकि सभी का हो गया, उन्हीं का वेटिंग लिस्ट में अभी तक है। तो उससे ये मालूम चल जाएगा अगर एलोकेशन DV से पहले यानी आजकल में आ जाता है आपका, कि क्या उसी वैकेंसी चार्ट के हिसाब से ही दिया गया है, एक तो वो हो गया। दूसरा ये है कि मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैंने आपको बोला ही है कि फ्राइडे तक पूरा, जब होप लग रहा है कि मिल सकता है तो मैं आपको अगर हो पाएगा तो शेयर कर दूंगा, अगर फिर भी ये दोनों नहीं मिलता है तो आपको मैं बता दूं कि जो CAG ऑडिटर या फिर अकाउंटेंट नया देखने को मिल रहा है, ऑडिटर की ही वैकेंसी पहले आती रही है। तो ऑडिटर की वैकेंसी कभी ऐसा नहीं पाओगे आप कि सभी एक जगह पर सेंटर्ड है, आप पाओगे कि हर एक स्टेट में लगभग थोड़ी थोड़ी करके वैकेंसी इसकी बटी रहती है। और अभी पिछले 20 से देखा जाए, 20, 21, 22 में भी देख रहे हो कि ऑडिटर की वैकेंसी बहुत ज़्यादा है आपको CAG के अंदर। तो वैकेंसी अभी प्रेजेंट टाइम में क्रिएट है आपकी, तो हर स्टेट से थोड़ी थोड़ी वैकेंसी निकलेगी, इसको ध्यान में रख के चलेगा। ऑडिटर और दोनों अकाउंटेंट की मैं बात कर रहा हूँ, रैंक बेसिस पर है, इसमें आपसे प्रेफरेंस पूछी जाती है रिजल्ट के बाद कि कहाँ जाना चाहते हो, आपका वैकेंसी अच्छी है आपकी। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अभी इसमें प्रमोशन का चल रहा है कि सर प्रमोशन का क्या सीन है इसमें, प्रमोशन का अभी यार 3 साल का जो था वो 6 साल सुनने को आ रहा है, और ये जो है आपका ये मामला जो उठा है आपका वो डिपार्टमेंट की वजह से, कि इसमें स्ट्रेंथ की वजह से दिक्कतें आई थी आपकी। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की अगर हम बात कर लें यार, कि SAS वाला तो अभी भी इसमें 2 साल का ही है, मतलब SAS का एग्ज़ाम तो 2 साल का है, लेकिन जो सीनियर ऑडिटर वाला था 4200 ग्रेड पे के लिए 2800 से 4200, वो 6 साल का कर दिया है। और ये 2 साल के बाद जो SAS का एग्ज़ाम है इसके बाद डबल ए वो डायरेक्ट बन जाते हो, लेकिन इसमें डबल ए वो बनने के बाद एक ही प्रॉब्लम रहती है आपकी, कि जैसे आप मान लो कि होम स्टेट UP पा गए आप, तो मैंने बताया कि जैसे WO बनोगे फिर आप ऑल इंडिया लेवल ट्रांसफ़र के लिए वो हो जाते हो, तो उस समय हो सकता है कि WO की आपकी जो SAS का एग्ज़ाम में रैंक बनी थी उस हिसाब से फिर से UP मिल पाए या ना मिल पाए, या फिर किसी दूसरे स्टेट में चले जाओ, एक तो ये रहता है। दूसरा WO बनते आप तुरंत, मतलब एग्ज़ाम क्लियर करते SAS का तुरंत आप WO नहीं बनते हो, उसके बाद वैकेंसी जब क्रिएट होती है CAG के अंदर तब आपको बनाया जाता है। मान लो कि 1 साल तक वैकेंसी क्रिएट नहीं हुई और आप SAS का एग्ज़ाम क्लियर कर लिए तो आपकी सैलरी बनती रहती है उस डेट से, कि 4800 ग्रेड पे की बनेगी, लेकिन पोस्ट आपको नहीं मिल पाता। लेकिन CGDM ऐसा नहीं होता, CGDM में रिजल्ट आते ही मैक्सिमम 15 दिन के अंदर आपको WO की पोस्ट मिल जाती है। और अगर हम बात कर लें ऑडिटर कैबिनेट सेक्रेटरी की, तो यार ये पहली बार वैकेंसी आई है जहाँ तक है। कैबिनेट सेक्रेटरीट की पोस्ट आती है, LDC वगैरह की आती है, कैबिनेट सेक्रेटरी की जो पोस्ट होती है वो दिल्ली में ही रहती है, राइट। यार इसके प्रमोशन का कुछ कह नहीं सकते, और क्या इसका ग्रोथ है SAS का एग्ज़ाम, ऑडिटर या अकाउंटेंट है तो SAS वाला पार्ट रहेगा, लेकिन कुछ भी श्योरिटी नहीं कह सकते। दिल्ली के लिए आप इसको देख सकते हो, और मैं ट्राई कर रहा हूँ अगर कुछ मिल पाएगी, वो ट्राई मैं नहीं कह सकता आपको, क्योंकि जो अभी शेड्यूल चल रहा है मेरा, मैं बिल्कुल कुछ बता नहीं सकता इसके रिगार्डिंग कि कोई भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भी शेड्यूल करके रखी थी, कट ऑफ से लेकर के बहुत सारी वीडियोज़ सब धरा का धरा रह गया, इतने सारे कॉल्स और इतने सारे मैसेज कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है।